बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर एडमिशन के लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दी है। जैसा कि आपका इंटर एडमिशन जो है, आपको पता है कि 19 जून से आप लोग का इंटर में एडमिशन जो है वो शुरू हो रहा है, जो कि चलेगा आपका 28 जून तक चलेगा, 19 जून से लेकर 28 जून तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे नियम में बदलाव कर दिया है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को शेयर करते अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि ये प्रक्रिया जानना जरूरी है। अगर इस प्रक्रिया के तहत आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके सभी को बताइए। सत्र 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा के राज्य उच्च स्तरीय के शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी या गैर स्कूली उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीकृत महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहां पर दिया गया है। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित को पूरा पढ़ें, जो कि मैं अभी पढ़कर बता रहा हूँ। OFS वेबसाइट जो दिया गया है, ठीक है, इससे ही आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर लेना है। कौन सा वेबसाइट से डाउनलोड करना है, OFSS की वेबसाइट से, ठीक है। आप www.ofss.bihar.in उससे डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन करें, ठीक है। आवेदन करने से किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे, यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है। तो अगर आप पूरी नोट वीडियो नहीं देखते हैं, गलती कर देते हैं, तो बिहार बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, आप खुद उसके जिम्मेवार होंगे और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है 19 जून से आपका 28 जून तक आपका एडमिशन चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट भी दिया गया है, खुद से ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में SKT एग्ज़ाम सर्च कर लेने हैं, ठीक है। SKT एग्ज़ाम जैसे ही सर्च करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ऐसा पेज खुलेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करते ही आपका 11th एडमिशन का पेज यहाँ पे खुल जाएगा, OFSS ऑनलाइन अप्लाई का, तो यहाँ से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपका बिहार बोर्ड ने क्या बदलाव किया है। यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक है, आप वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे शेयर करके सभी को बता दीजिए कि आपको ऑनलाइन जो है यहीं से हो रहा है, आप खुद से अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहां पे पूरी जानकारी देखिए आगे पूरा हम लोग देखेंगे। यहां पे बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE या किसी बोर्ड के उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो है वो यहां पे ऑनलाइन आवेदन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। चूंकि CBSE और ICSE बोर्ड के मैट्रिक यानी 10वीं का जो परीक्षा फल है वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, तो अतः जब भी CBSE और ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को परीक्षा फल जारी किया जाएगा तब CBSE और ICSE विद्यार्थी का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, अर्थात CBSE ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को भी प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड के छात्रों की इंटरमीडिएट। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बारहवीं ITZ और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एक ही कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे कॉमन पत्र और कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लें। सामान्य आवेदन की प्रक्रिया जो है, सूची जो है, प्रोस्पेक्टस जो है वो 17 जून शाम 3 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा, यानी 17 जून तक ही आपका जो है ये प्रोस्पेक्टस उपलब्ध रहेगा। अगर आपने नहीं किया है तो वो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जाना है, अर्थात किसी भी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो भाई मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या है, क्योंकि बहुत सारा है, आप खुद से पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे,
इसलिए जो मेन मेन पॉइंट है मैं इस वीडियो के जरिए आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी को। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा। अगर आप दो भाई हैं तो ऐसा मत करना कि दोनों में एक ही ईमेल आईडी डालना, तो वो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है। फिर सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन भरने से पूर्व OFSS के माध्यम से पिछले वर्ष के राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज का कटअप जरूर देख लें, ठीक है। अगर आपने अभी कटअप नहीं देखा है तो मैं जल्द उसका वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कटअप वाली वीडियो जो है आपको जरूर से जरूर मिल जाए, ठीक है। किस विद्यालय में कितना कटअप है ये जरूर देख लें। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का सावधानीपूर्वक चयन करें, क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के बाद अंतिम विकल्प माना जाएगा और उसके बाद कोई भी मौका यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें, अर्थात ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें। पहला जो है सहज वसुधा केंद्र से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि सहज वसुधा केंद्र से जाएंगे तो आपको 6 फॉर्म वहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो किसी साइबर कैफे में जाकर भरवा सकते हैं, ठीक है, जो कि आप 350 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क लिया जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट है बाबू वो मैं बता रहा हूँ, कितना आवेदन शुल्क लग रहा है, 350 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है वो फॉर्म भरने का अलग चार्ज वो करे तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार बोर्ड यहाँ पे 350 रुपया ही आपके लिए ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान से कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो आवेदन भरने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। तो अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो व्यवस्था के तहत ऑनलाइन विभिन्न चरणों में आप कर सकते हैं। आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नंबर, अनजन्म तिथि तैयार रखें। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समकक्ष अन्य बोर्ड से की है तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें, ठीक है। यानी अगर आपने बिहार बोर्ड से की है तो आप रोल नंबर, रोल कोड डालोगे तो आपको मार्क्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको मार्क्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर दूसरे बोर्ड से पास किए हो तो आपको मार्क्स डालना पड़ेगा। विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्कैन कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हो, साइबर कैफे वाले तो कर ही देगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। किसी ब्राउजर से आपको इसी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद निर्देश को पढ़ना है, चेकबॉक्स को क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्मतिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारियां, प्राप्तांक अपने आप आवेदन पत्र में अंकित हो जाएंगे। यानी आप इतना करेंगे क्योंकि आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो इतना चीज़ जब डालेंगे, आप उत्तीर्ण कब किए हैं, रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि, तो अपने आप आपका मार्क्स कितना आया है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आपको जो है जानकारी मांगी जाएगी, उसे पूरा भरिएगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कॉलेज चुनने का ऑप्शन आएगा, तो आप न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। यानी कम से कम आपको 10 कॉलेज का नाम वहाँ पर डालना ही होगा, ठीक है। न्यूनतम 10, कम से कम 10 कॉलेज का नाम डालना ही होगा और 10 से ज़्यादा आप 20 तक चूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिला चुनना है आपको, कैसे कॉलेज चुनना है तो पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिला को चुने, जिला चुनने के बाद विद्यालय तथा महाविद्यालय को चुने, उसके बाद आपने आर्ट्स में एडमिशन लेना है, कॉमर्स में या साइंस में वो चुन लीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर लें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको विकल्प दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना 10 न्यूनतम और अधिकतम 20 कॉलेज जो है
वो चुन सकते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले पहले विकल्प में भरें। मान लिया जाए कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आपका पहला चॉइस साइंस में एएन कॉलेज है और दूसरा चॉइस जो है वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, तो आप एएन कॉलेज में पहला चॉइस दें और दूसरे कॉलेज में कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भरें। समझ रहे हैं, यानी जो आपको पहले पसंद है कि हमको इसी कॉलेज में जाना है, तो आपको आपको एक नंबर में वो कॉलेज भरना है और दो नंबर में चॉइस है कि इसके बाद अगर ये नहीं मिला तो ये वाला भर देते हैं, तो ये भर देना है। फिर अगर तीन नंबर भरना है कि अगर ये दोनों नहीं मिला तो तीसरा नंबर भर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है, कटअप के अनुसार ही भरना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 60% है तो आपको उसी कॉलेज में सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे आपके चयन जो है वो आसानी से हो जाए। तो ये लिस्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले ताकि वो लिस्ट आने पे आपको मिल सके। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करके बता दें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि कटअप वाली वीडियो सबसे पहले अभी से एक ट्यूटोरियल पर बहुत जल्द आ रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।